हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉलेज कुल में। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेंगलोर के टॉप 5 MBA कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाइए भैया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनकी भी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। और बेंगलोर में ऐसे कौन कौन से टॉप 5 MBA कॉलेजेस हैं जहाँ से हम MBA कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो कॉलेज से रिलेटेड या फिर इस कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करनी होगी तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हो। हम अपने स्टूडेंट से वहाँ की बात करा देंगे जो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, आप ही ऐसे लोग वहां पे भी हैं, तो जिससे आपको पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको लेना है कि नहीं लेना उस कॉलेजेस में, सो आप डिसाइड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते से बात करके मुझे पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन से कॉलेज में नहीं ले। क्योंकि काउंसलर तो हमेशा अपने कॉलेज को अच्छा ही बताएगा क्योंकि वो उस कॉलेज से पेमेंट लेता है, मतलब सैलरी लेता है, तो वो अपने कॉलेज को कभी कोई बुरा नहीं बताएगा या फिर कभी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएगा। नेगेटिव पॉइंट वही बता सकता है जो उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है या उस कॉलेज से पास आउट हो चुका है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उनसे बहुत ही हेल्प आपको मिलेगी, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज हम डिस्कस करेंगे वो है IIM बेंगलोर। आप सभी इस कॉलेज को बहुत ही अच्छी से जानते होंगे। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी बेंगलोर कर्नाटका में देखने को मिलेंगी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1973 में ये कॉलेज बनके तैयार हुआ था। एंड अगर हम इसके फीस की बात करें तो फीस आपको 24.5 लाख टोटल फीस आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो है वो है हाईएस्ट आपका 80 लग गया हुआ है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपका 28 to 29 लाख गया हुआ है एवरेज प्लेसमेंट। दूसरा जो कॉलेज है वो आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही होगी। ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगी, कर्नाटका स्टेट में। एंड अगर हम इसके फाउंडिंग ईयर की बात करें तो ये 1969 में बन के तैयार हुआ था, तब से ये कॉलेज चल रहा है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस जो टोटल फीस है वो आपको 7.6 लाख टोटल फीस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। एंड अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट इसका जो हाईएस्ट है वो 12 लाख 12 लाख गया हुआ है। एंड जो एवरेज है वो 7.4 लाख गया हुआ है एवरेज प्लेसमेंट। तो अगर हम फीस के अकॉर्डिंग बात करें, फीस जो है वो 7.6 है एंड एवरेज जो प्लेसमेंट है वो 7.4 है, तो समथिंग फीस के बराबर एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है। तो क्वाइट गुड कॉलेज है, आप इसको अच्छे कॉलेजेस में कंसीडर कर सकते हो। वैसे भी काफ़ी फेमस है, जो क्राइस्ट कॉलेज के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि कितना फेमस ये कॉलेज है। नाउ हम देखते हैं अब नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज को हम शॉर्ट फॉर्म में XIME कॉलेज कहते हैं। एंड अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो काफ़ी अच्छा ये भी कॉलेज है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1991 में कॉलेज बन के तैयार हुआ था। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो 12.9 लाख आपको टोटल फीस इसकी देखने को मिल जा रही है। एंड अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। फीस के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 18 लाख पर ईयर गया है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 9.25 लाख एवरेज प्लेसमेंट इसका गया हुआ है पर ईयर। सो काफ़ी अच्छा कॉलेज ये भी है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, आपको एंट्रेंस ज़रूर देना पड़ेगा। एंड जो जैन यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगी। अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1990 में ये कॉलेज बन के तैयार हुआ था। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस इसकी 9.9 लाख टोटल फीस है इसकी। एंड अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो है वो हाईएस्ट गया हुआ है, आप देख रहे होंगे 32 लाख पर ईयर गया हुआ है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है वो क्वाइट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 6.09 लाख पर ईयर, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है फिर भी, लेकिन हाईएस्ट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा गया हुआ है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी।
इसका नाम है जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एंड इसकी हम अगर लोकेशन की बात करें तो ये भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो ये 1968 में बन के तैयार हुआ था कॉलेज। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है वो काफ़ी ठीक है, 8.06 लाख टोटल फीस आपको इसमें देखने को मिल रही है, मतलब 8.5 या फिर 9 लाख आप मान सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर कुछ एक्स्ट्रा वगैरह लगता है तो। एंड एग्ज़ाम फीस एंड ऑल की बात मैं कर रहा हूँ। एंड अगर हम इसमें प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, 22 लाख आपको पर ईयर देखने को मिलेगा हाईएस्ट। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपको 7.8 लाख पर ईयर देखने को मिलेगा आपको एवरेज प्लेसमेंट, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। आप चाहे हाईएस्ट देखो या फिर एवरेज देखो, ये सब बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं बेंगलोर के। नो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ले में बस आपको इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।